नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानी के बारे में, जिसका शीर्षक है लड़ती भेड़ और सियार। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने वहां के गांव में बाजार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी। कौतूहलवश वह सियार भीड़ के पास गया और देखने की कोशिश करने लगा कि वहाँ क्या हो रहा है। सियार ने वहाँ देखा कि दो बकरे आपस में बहुत ही लड़ाई कर रहे हैं। दोनों ही बकरे काफ़ी मोटे, ताज़ा और तगड़े थे, इसीलिए उनमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हो रही थी। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर खून बह रहा था। जब सियार ने इस ताज़ा खून देखा, इतना सारा ताज़ा खून देखा, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस खून का स्वाद चख लिया जाए। वह वहाँ पर बकरों के पास गया और वह देखने लगा कि बस किसी तरीके से ये बकरे मुझे मिल जाएं। सियार ने आओ देखा ना ताव और बकरों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों बकरे बहुत ही ताकतवर थे। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी और सियार ढेर हो गया। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच के प्रति होकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। लालच में कोई भी कदम बिना बात नहीं उठाना चाहिए और कोई कदम उठाने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी है, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जुड़े रहें कल्पना ऑल इन वन के साथ।